दोस्तों बैक टू शोरूम आपके लिए वापस ला रहा है मारुती सुजुकी अर्टिगा ना ये जो है अर्टिगा का फेस लिफ्ट है ये इसका जेड पेट्रोल वेरिएंट है स्मार्ट हाइब्रिड सॉल्यूशन के साथ एंड दिस कलर इज़ पर्ल मेटालिक ऑक्सफर्ड ब्लू कलर यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं कई जगह क्रोम का यूज़ किया गया है और न्यू रीडिजाइंड एलाव व्हील्स मिल जाते हैं यहाँ पे ब्लैक एंड क्रोम फिनिश के साथ यानी डुअल टोन के साथ रियर साइड में देखा जाए दोस्तों तो ऑलमोस्ट सिमिलर सिलवेट मिल जाता है सिमिलर जो है आपको डिज़ाइन फीचर्स मिल जाते हैं यहाँ पे बैजिंग्स की बात की जाए दोस्तों तो विफी जूम है सो बैजिंग्स में यहाँ पे आपको स्मार्ट हाईब्रिड सिस्टम मिल जाता है इस वेरिएंट में ध्यान देखेगा दोस्तों वन लीटर का पेट्रोल इंजन है यहाँ पर अर्टिगा की बैजिंग मिल जाती है आपको सो वन लीटर का पेट्रोल इंजन है उसमें स्मार्ट हाईब्रिड मिल रहा है यहाँ पर जो है नीचे फो पार्किंग सेंसेस मिल जाता है भाई कैमरा नहीं मिलता ऊपर की तरफ देख सकते हैं एल डी हाउम स्टॉप लाइन मिल जाता है एंड रियर डिफॉगर रियर वाइपर वॉशर भी अवेलेबल है बूट के ऊपर देख सकते थोड़ा सा क्रोम का है साइड में बूटलेट मिल जाता है एंड यहाँ पे आर फिफ्टीन वन नाइनटी फाइव बाई सिक्सटी फाइव आर फिफ्टीन ब्रिज के यहाँ पे टायर्स मिल रहे हैं आपको अलॉयज का डिज़ाइन देखेगा तो पिछले वाले अलॉयस जो फुल ब्लैक टॉट होते थे यहाँ पर डुबल टोन ऑलॉज है चारे, चारे, सिल्वर एंड ब्लैक का डुबल टोन कॉम्बिनेशन है और फ्रंट की तरफ अगर हम जाए दोस्तों तो यहाँ पे थोड़ा सा रीडिज़ाइन डिज़ाइन मिल जाता है थोड़ा सा वेरी माइनर यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं फ्रंट में एक वेरी क्रोम आउट ग्रिल मिल जाता है नीचे की तरफ भी ब्लैक डाउट ग्रोम मिल जाता है नीचे की बात करें दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है आपको यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर बचाया जाए दोस्तों तो यहाँ पर वन एटी mm फाइव मिलीमीटर सी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है यहाँ पर अब दोस्तों अगर हमने ऑलमोस्ट सारा ऊपर कवर कर लिया तो ऊपर से दिखाना चाहूँगा ये इसका रूफ है जिसमें कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ डिज़ाइन है यहाँ पर सी पिलर बी विंडो ए विंडो एंड ए पिलर मिल जाता है तो दोस्तों ये जो है ओवरऑल अर्टिग का एक फ्रंट लुक मैं आपको दिखाना चाहूँगा अब यहाँ पर भी आप देखिएगा प्रोजेक्टर्स जो है यहाँ पर हेलोजन uh, के मिल जाते हैं एंड फ्रंट की तरफ देखा जाए दोस्तों सबसे पहले आपको कीज़ दिखाना चाहूँगा सो दीज आर द काइंड ऑफ कीज़ यहाँ पर स्मार्ट कीज़ मिल जाती है विद ब्लू टें जो पहले नहीं मिलता तब मिल जाता है यहाँ पर एंड यहाँ पर लॉक एंड अनलॉक फंक्शनैलिटीज़ मिल जाती है एंड अगर हम डोर के पास जाए दोस्तों तो डोर के पास ऐसे आप देखिएगा रिक्वेस्ट सेंसर भी अवेलेबल है और डोर हैंडल्स जो है वो ऑल फोर डोर हैंडल्स जो है क्रोम में मिल जाते हैं यहाँ आप देखिए अगर हम की को अपने इस वेसिनिटी में लाते हैं या सेंसर दबाते हैं तो देखिए गाड़ी लॉक भी यहीं से हो जाती है और अनलॉक भी ऐसे हो जाते हैं डैट मीनस अगर चाबी आपके पॉकेट में हो तो गाड़ी के पास जाके आप लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं गाड़ी का फ्रंट डोर खोलते हैं हम कीज अप करते हैं देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है ना पूरा बेज डिज़ाइन मिल जाता है एंड काफ़ी सारे फॉरवर्ड इंसर्ट्स मिल जाते हैं यहाँ पे जो एक फॉरवर्ड इंसर्ट मिल जाता है यहाँ पे देखिए बॉटल होल्डर्स है मैप पॉकेट्स है सेंट्रल लॉकिंग अनलॉकिंग ऑटो अप डाउन का फंक्शन है यहाँ पे दोस्तों ओ आर वी एम फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल फीचर मिल जाते हैं ये थोड़ा सा नया एक तरह का एड ऑन किया गया यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल जाता है दोस्तों स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल है यहाँ पे दोस्तों जो मेजर एड ऑन है इज द टच स्क्रीन इज अवेलेबल है प्लस जो इंटीरियर्स है वो भी आप देखिएगा बेच में काफ़ी अच्छा लुक देते हैं ड्राइवर एम पे आप देख सकते हैं डोर हज़ार वार्निंग भी मिल जाती है और ड्राइवर के साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है यहाँ पे हेड हेडलैप लेवल है यहाँ पे एक छोटा सा पॉकेट है आप छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं ऊपर की तरफ स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है ड्राइवर के लेफ्ट साइड में जो है स्टेरिंग वाटर कंट्रोल मिल जाता है बेच फिनिश में स्टेरिंग व्हील है यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये डी कट स्टेरिंग में मिल जाता है नीचे की तरफ देखेंगे कॉलिंग फंक्शन है लेफ्ट की तरफ जो है स्मार्ट प्ले सिस्टम मिल जाता है ऊपर भी देखिएगा यहाँ पे केबिन लैम्प है मैनुअली एडजस्टिंग ओवर ये इंटरनल मिरर है यहाँ पे टिकट होल्डर है एंड लेफ्ट साइड में जो है पैसेंजर साइड का वारंटी मिरर फंक्शन जी हाँ यहाँ पर पैसेंजर का वारंटी मरर है नीचे की तरफ देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर जो सीट्स है वो पूरे बीच फॉर्मेट में मिलता है एंड इन सीट्स के ऊपर अगर आप देखिएगा तो ये इनटेक है जो कोल्ड एयर इनटेक है फॉर रियर सीट पैसेंजर्स जो रियर सीट की कंडीशनिंग या ब्लोअर है वो वैसे चलता है रियर सीट का लुक आप देख सकते हैं अच्छा खासा लुक है फ्रंट में जब देख सकते हैं काफ़ी सारा फॉरवर्ड जो है फिनिश दिया गया है एंड यहाँ पे जो ए है वो भी ऑटोमेटिक कंट्रोल्स का है एनी दोस्तों गाड़ी को स्टार्ट करते तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ड्राइवर एम एंड डी जो टच स्क्रीन है उस पर सुजुकी का लोगो आ जाता है उसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी सारी वार्निंग्स मिल जाते हैं नीचे आप देख सकते हैं कूल जो है कप होल्डर्स मिल जाते हैं कूलिंग फंक्शन के साथ ऊपर आप देख सकते हैं जो स्मार्ट प्ले सिस्टम है इसमें काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ दी गई है जो कि हम एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टीरिंग मोटर कंट्रोल है उसके थ्रू वी कैन कंट्रोल द होल टच स्क्रीन माइनर फंक्शन ऑफ इट बट वी कैन डू कंट्रोल यहाँ पर जो बाकी टच स्क्रीन की फंक्शन है एफ एम एम ऑक्स ब्लूटूथ वो सारे फंक्शन आपको दिए गई है ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप वॉल्यूम कंट्रोल भी कर सकते हैं एंड वेरियस काइंड ऑफ फंक्शनलिटी जैसे सुजुकी कनेक्ट हो गया उसको भी कर सकते हैं स्मार्ट कनेक्ट करने के लिए प्लस दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो देखिए काफ़ी सारे अलग अलग क्विक एक्सेस चीज़ें भी हैं सो इफ़ इफ़ यू कैन लुक एट वन बाई वन ये, ये देखिए एक एक टैब को आप स्लाइड कर सकते हैं फ्यूल अलर्ट्स वार्निंग व्हीकल इंफॉर्मेशन सो वेरियस थिंग्स यू कैन टॉक अल अबाउट सो इट इज़ अ वेरी फन थिंग टू डू इफ़ यू आर यू नोट सिटिंग आइडन इन योर कार प्लस इफ़ यू वॉन्ट टू यू एक्सप्लोर द सेटिंग्स वट काफ़ सेटिंग्स आर देर विच यू कैन टॉगल एन आप देख सकते हैं कि क्या आपकी गाड़ी के लिए सही है क्या नहीं सही है डिस इंक्लूड साउड फंक्शन लाइट फंक्शनस अलार्म यू नो डिस्प्लेस सो वेरियस थिंग्स यू कैन टॉगल अबाउट हेयर नीचे भी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक हज़ार लाइट का वार्निंग तो मिल ही जाता है एंड सेंट्रल लॉक का एक जो लाइट है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं बहुत छोटा सा है देख सकते हैं यहाँ पर बलूटूथ डिवाइस इजी कनेक्ट करना बहुत आसान है ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं इट इज़ जस्ट यू हैव टू लोकेट एंड पेयर इट देन वी ऑल्सो शो यू द साउंड क्वालिटी हेयर सो इफ़ यू कैन जस्ट बे विद मी बी हम आपको ना साउंड क्वालिटी से चेक कराना चाहेंगे इस कार का दट लीस्ट यू गैट ओ फील एंड जस्ट अबाउट इट कि क्या इसका पूरा साउंड क्वालिटी कैसा है और कैसा साउंड एक्चुअली करता है तो पर दोस्तों फ़ोन कनेक्ट करना बहुत ही आसान है और उसके बाद मैं दिखाऊँगा कि इक्वलाइजर जो है इसक्वेलाइजर भी आप मोड और यू नो सेटिंग्स के हिसाब से सेट कर सकते हैं आपको कैसा चाहिए एंड ये जो ऑडियो सेटिंग्स है आप देख पा रहे हैं इसके बाद मैं आपको ना थोड़ा सा एक म्यूज़िक का साउंड चेक कराना चाहूँगा तो एटलीस्ट आपको ना पता चल जाएगा कि अर्टिगा में म्यूज़िक uh, कैसा साउंड करता है सो हेयर वी गो आपने देखा दोस्तों बहुत ही ब्रिलियंट साउंड मिल जाता है चलते हैं दोस्तों ड्राइवर के एम की तरफ यहाँ पे वेरियस फंक्शन एंड इनफॉमेशन मिल जाते हैं ड्राइविंग टाइम कॉम्पस्ट स्पीड एंड टॉक स्मार्ट हाइब्रिड की बैटरी की हेल्थ रनिंग टाइम एंड एवरेज फ्यूलसी एम आई डी यू नो ट्रिप फंक्शन काफ़ी सारे फंक्शन यहाँ पे मिल जाते हैं जब ईजिली टॉगल कर सकते हैं डेट इंक्लूड्स डेट एंड टाइम एज वेल प्लस यहाँ पे जो ड्राइवर की एम आई डी है इट इज ओवरऑल वेली स्मूदिंग लुक बहुत ही अच्छा सा लुक एंड फील मिल जाता है एंड आगे दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे जो है ये लाइट के फंक्शंस मिल जाते हैं हेडलाइट के हेड लैंप के फंक्शंस मिल जाते हैं हाई बीम लो बीम के फंक्शंस यहाँ मिल जाते हैं लेफ्ट की तरफ जो यहां है यहाँ पे वाइपर फंक्शनलिटीज़ मिल जाती है जैसे कि आप देख सकते हैं और अगर मुझे रियर वाइपर टॉगल करना है तो वट आई डू इज़ आई टू जस्ट शिफ्ट हेयर तो अगर मैं रियर की तरफ ऑन करूँगा आप देख सकते हैं कि रियर वाइपर चल रहा है इट इज़ एक्चुअली वर्किंग सो so, बारिश के टाइम पे अगर विजिबिलिटी कम हो जाए दोस्तों तो इट इज़ अ वेरी गुड बून कि आप यूज़ कर सकते हैं प्लस दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी मिल जाता है एक यू पोर्ट मिल जाता है इनऑन कनेक्टी और एंड्रॉय ऑटो वा एन एपल का अपले अगर आप लेफ्ट साइड में देखें दोस्तों एक बढ़िया सा आमरेस मिल जाता है स्टिचड एंड इसमें भी एक काफ़ी थोड़ी बहुत स्पेसिंग है जो आप रख सकते हैं इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन अगर हम टॉगल करें तो उसकी वार्निंग भी एम आई मिल जाती है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों एज आई वॉज कि यहाँ पे जो है ना ये बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्टिव एम आई डी है सो इट एक्चुअली हेल्प्स अलॉट फॉरवर्ड फिनिश और फॉरवर्ड फिनिश आप देख सकते हैं गाड़ी की ओवरऑल क्वालिटी ओके इट्स गुड प्लस यहाँ पे जो है ओ आर फोल्डिंग फंक्शनैलिटी मिल जाती है जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था तो अगर आप जस्ट प्रेस ऑफ अ बटन और आपके ओ आर वी एम्स फोल्ड एंड ओपन हो सकते हैं यहाँ पर ड्राइवर अप पर ऑटो डाउन भी हो जाता है ऑटो अप भी हो जाता है इट इज़ जस्ट कि आप बस एक बार क्लिक कीजिए तो ड्राइवर का पूरा विंडो ऑटो अप हो जाता है ऑटो डाउन हो जाता है इट इज़ अ वेरी गुड फंक्शनैलिटी फॉर हयर ड्राइवर्स हेयर स्पेशली जिनको ऑटो अप की भी जरूरत होती थी डोर हैंडल्स आप देख सकते हैं सिल्वर में है एंड स्टार स्टॉप बटन भी देख सकते हैं ग्लव बॉक्स देखा जाता था, था आपको दोस्तों ग्लव बॉक्स बहुत ही छोटा सा सस्ती है ज़्यादा कुछ इसमें आप रख भी नहीं सकते इट इज़ जस्ट डेट माइनर चीज आप रख सकते हैं फील फिट एंड फिनिश एंड ओवरऑल क्वालिटी इस इंटीरियर केबिन क्वालिटी इज क्वाइट गुड विच आई फील प्लस यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना प्लास्टिक सही यूज़ किए गए हैं यहाँ पर सीट बेल्ट भी आप हाइट के हिसाब से अपने लेवल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं प्लस आपको ड्राइवर हाइट सीट सीट हाइट एडजस्टेबिलिटी भी मिल जाती है जो यहाँ पर हैंड ब्रेक है वो भी सिल्वर टिप मिल जाता है आपको दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फंक्शनैलिटी कॉलिंग फंक्शन ब्लूटूथ फंक्शन वॉइस रिकगनीशन फंक्शन भी मिल जाते हैं नीचे देखा जाए दोस्तों एक डट पेडल मिल जाता है यहाँ पे बाकी सारे पेडल्स है यहाँ पे देख सकते हैं इंजन जो है इंजन बोनेट पुल का भी एक बटन है जस्ट एट यू तो हैव टू पुल इट एंड आपका बोनेट भी खुल जाएगा दोस्तों फ्रंट डोर को हम ओपन करते हैं और उसके बाद मैं आपको इंजन बे भी दिखाना चाहूँगा यहाँ पे दोस्तों हम गाड़ी को ऑफ करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी में जो रन टाइम है एंड बाकी डिटेल्स मिल जाती है डोर कौन सा ओपन है उसके आजार की वार्निंग मिल जाती है एंड नाव विल क्लोज द फ्रंट डोर अब उसके बाद हम आगे जाएंगे दोस्तों मैं आपको इंजन दिखाना चाहूँगा एक बार दोस्तों डू इज़ फर्स्ट टू ओपन द बूट। यहाँ पे कुछ नहीं करना नीचे एक लीवर है ऑल यू टू जस्ट पुल इट एंड ये आपका इंजन मिल जाता है सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे साउंड क्लैडिंग या साउंड प्रूफिंग मटेरियल मिल जाता है दिस इज वन 1.5 लीटर डूएल वी टी इंजन या पेट्रोल इंजन ये बेसिकली प्रोड्यूस करता है आपका 136 एंड थर्टी सिक्स एम एम टॉर्क और ऑलमोस्ट हंड्रेड एंड एट बी एच पी क्योंकि स्मार्ट हाइब्रिड वहीकल है तो इसमें एक बैटरी भी मिलती है एक्स्ट्रा जो एड ऑन प्रोवाइड यू एक्स्ट्रा बूस्ट एंड प्लस ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फंक्शनलिटीज़ करती है ओवरऑल दिस इंजन इज़ वेरी साइलेंट वेरी फ्यूल फ्यूलिफिशियंट एंड ऑलमोस्ट कंपनी क्लेम्स लिए ट्वेंटी पॉइंट एट वन किलोमीटर्स पर लीटर ऑफ पेट्रोल हालांकि रियल लाइफ कंडीशन में डेट विल वेरी मच वेरी प्लस प्लस पॉइंट ये है कि इंजन काफ़ी रिलायबल है काफ़ी अच्छा चलता भी है बहुत कार्स में मतलब जो कमर्शियल व्हीकल जो अटेगा कमर्शियल यूज़ कर रहे वो आप देख सकते हैं अच्छा है प्लस यहाँ पे जो स्टिक है जो इंजन होल्डिंग स्टिक है उसमें एक छोटा सा हैंडल दिया जाता है विच मेक्स वेरी ईजी टू क्रैप सो ओवरऑल दिस इंजन इज फ्यूल एफिशिएंट गुड रिलायबल एंड वेरी नॉइजलेस इंजन सो नाओ वील गो टू द सेकेंड रो ऑफ सीट्स जहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा फर्स्ट सेकेंड रो पैसेंजर्स गाड़ियाँ अभी लॉक है और यहाँ पे दोस्तों पैसेंजर साइड डोर में भी एक रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है तो इफ़ वी क्लिक द पैसेंजर साइड रिक्वेस्ट सेंसर हमारी कार की अनलॉक हो जाती है या हमारी गाड़ी जो है अनलॉक हो जाती है अगर अच्छा अभी हमारे बजे में हो तो आप देख सकते हैं सेकेंड रो की सीट्स में बहुत बड़ा ओपनिंग मिल जाता है यहाँ पे सीट्स का रिक्लाइन एंगल भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे एडजस्टेबल नेकल्स भी मिल जाते हैं एंड पुश सीट को पुश डाउन करना बहुत आसान है इट इज़ जस्ट एट द क्लिप ऑफ अ बटन या एट द क्लिप इसके बाद आई विल शो यू हाउ टू गेट इन द थर्ड रो एज वेल सो दिस इज़ मी एंड आई एल वोट आई ट्राई टू डू इस पहले मैंने सीट को ऊपर कर दिया है और इसी इसी चीज़ के साइड में एक हैंडल है जिससे आप सीट को रिक्लाइन एंड डाउन रिक्लाइन कर सकते हैं मैंने उसी लीवर से सीट को डाउन रिक्लाइन कर दिया है अब हम क्या करेंगे सीट के आगे वाले जो लीवर है उसको पुल करेंगे और यहाँ पे स्पेस मिल जाती टू तो गो इन टू द थर्ड रो यहाँ पे देख सकते हैं मैं थर्ड रो में बैठ गया हूँ एंड माय रेफरेंस फॉर हाइट इज़ फाइव डेन फाइव एलेवन और यहाँ आप देख सकते हो सबसे पहले कि यहाँ पे भी जो है थर्ड रो में क्लिप मिलता है ये सीट्स को रिक्लाइन तो नहीं कर सकता बट एक लेवल तक होल्ड कर सकता है ये फ्रंट के जो है फ्रंट के डाउन लिकलाइन एंगल के लिए हैं यहाँ पे सीट बेल्ट भी मिल जाती है थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे एक ट्वेल्व वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है फॉर चार्जिंग ऑफ फोन्स ऊपर एक कप होल्डर भी मिल जाता है यहाँ पे ग्रैंड ग्रैब हैंडल्स भी दिए गए हैं एनिया में आप देख सकते हैं दो लोगों के लिए सीटिंग बहुत अच्छी है अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है नेक रेस्ट भी जो है दैट इज़ ऑल्स एडजस्टेबल सो ओवरऑल इट इज़ अ गुड प्लेस बट फॉर वेरी बिग और वेरी टॉल पैसेंजर्स आई वोंट रिकमेंड इट मैं आपको सीट को ना एक प्रॉपर रो सीट पे प्रॉपर पोजीशन करके दिखाता हूँ यहाँ आप देख सकते हैं नेक रूम जो है मेरे पास या नी रूम जो है नी रूम जो है दोस्तों बहुत कम मिल जाता है मुझे यहाँ पर और मेरे पास जो है बहुत ही माइनस स्पेस रह जाती है तो दिस स्पेस इज़ यूजली फॉर शॉर्ट पीपल एंड फॉर किड्स एंड जैसा कि मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि अगर मैं भी बैठूँ या लॉन्ग जर्नीज के लिए फॉर मी इट इज़ नॉट रिकमेंडेबल आल ऑल्सो शो यू कि यहाँ से अगर ऊपर उठ के देखना चाहे या कुछ रीच करना चाहे दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्टो इट इज़ बेटर शॉर्ट पीपल या किड्स ही थर्ड रो में बैठे हैं सेकंड ऑफ ऑल दोस्तों अगर मैं चाहूँ तो मैं सेकेंड रो पर अगर निकलना चाहता हूँ वट डू इज आई जस्ट पुल दिस क्लिप अप ये सीट नीचे हो गई है ये देखिए दोस्तों ये सीट जो है ऐसे नीचे हो जाती है अप एंड डाउन ऐसे करते हैं सीट को सीट से बाहर निकलने के लिए दोस्तों मैं सीट को पुश फॉरवर्ड करूंगा या आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये सीट जो है ये भी रिक्लाइन हो सकती है अभी नहीं हो रही बट यहाँ से हम निकल सकते हैं इट्स वेरी इजी टू गेट आउट हियर सीट को मैंने वापस रिक्लाइन एंगल में डाल दिया एंड आफ्टर पुश इट बैक और अगर मैं थोड़ा सा और पुश बैक करूँ ये सीट अपने लेवल पर आ जाएगी ये देखिए सीट को मैंने अपने लेवल पर ले आया एक्न सेकेंड रो में जो है आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर एक ट्वेल्व वर्ल्ड का पावर सॉकेट फोल होल्डर मिल जाता है फॉर सेकेंड रो पैसेंजर्स सीट भी आप देखिए कंफर्टेबल है अच्छे खासे रिक्लाइन एंगर है इनवर्ड एंड एग्रेस जो है वो भी ज़्यादा कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे लिए लिए बहुत ही इजीली आप घुस सकते हो और अंदर बैठ सकते हो घुसना बहुत आसान है सीट में बैठना भी बहुत आसान है लॉन्ग जर्नी इसके लिए बहुत अच्छी है अगर आप यहाँ पर अपना आइडियल पोजिशन देखा जाए तो परफेक्ट है आपके लिए यहाँ पर आप आराम से आ, सीट को फ्रंट रिक्लाइन एंड बैक रिक्लाइन दोनों कर सकते हैं अपनी पोजिशनिंग के हिसाब से यहाँ पर दोस्तों आपको जो है ना एक सेंटर में आमरेस्ट भी मिल जाता है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग आई फील जो यहाँ पे दिया गया है कप होल्डर्स मिसिंग है दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव पॉइंट बट हाँ ये जो है सीट यहाँ पे आपको मिल जाती है प्लस अपने पर्सनल एक ब्लोअर मिल जाता है सो so ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है यहाँ पे सेकेंड रो के लिए जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पर्सनल ठंडी हवा देती रहती है प्रॉपर पूरे लॉन्ग जर्जी में प्रॉपर ब्लोअर मिल जाता है जिसको आप अपने स्पीड के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं वंडरफुल थिंग टू सी है ऊपर आप देख सकते हैं सेकेंड रो के लिए एक पर्सनल केबिन लैम्प भी दिया गया है तो सेकेंड रो के लिए कन्वीनियंस व्यू काफ़ी अच्छी है अब आप देख सकते हैं दोस्तों अगर हम सेकेंड रो में देखा जाए बॉटल होल्डर है मैप पॉकेट है पावर विंडो है क्रोम डोर हैंडल है और यहाँ पे विंडो भी बहुत बड़ा साइज़ का दिया गया है तो आपको क्रॉस्ट्रोफोबिक नहीं फील होने वाला प्लस यहाँ से मैं दिखाना चाहूँ ये जो है ना बैक से सेंटर का व्यू है और यहाँ आप देख सकते हैं कन्वीनियंस कन्वीनियज मैंने आपको पहले ही बता दिए यहाँ पर प्लस अगर मैं आप सेकेंड रो के बाहर जाता है दोस्तों तो मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो है पीछे की तरफ थोड़ा जाते हैं तो पीछे तरफ देख सकते हैं यहाँ पे टेल लैम्प डिज़ाइन है एरोय विल्स मैन आई हैव ऑलरेडी शोन यू नाउ आई विल शो यू द रियर बूट जिसे टिक्की कहते हैं साधारण हिंदी भाषा में ये आप देख सकते हो सबसे पहले थोड़ी सी तो एक क्रोम गार्निश दी गई है बूट के ऊपर या वाइपर के नीचे एंड यहाँ पर जो ओपनिंग के लिए ना दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ओपनिंग के लिए एक सेंसर नहीं दिया गया यहाँ पर जो प्रॉपर हैंडल दिया गया ये जो देखिए आप यहाँ पर हैंडल दिया गया है और उसके साइड में जो है ना एक बटन दिया गया रिक्वेस्ट सेंसर के हिसाब से मतलब अगर उस बटन को टच कर दोगे यहाँ पे छोटा सा एक रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया इफ़ यू पुश दिस तो आपकी गाड़ी अनलॉक हो जाती है आपकी बूट अनलॉक हो जाती है और आप सीधा बस जो है हैंडल खींच के बूट को उठा सकते हैं आपका तो सामान स्टोरेज डाल सकते हैं यहाँ पे छोटा सा एक हैंडल भी दिया गया जैसा कि आपके कन्वीनियंस के लिए है ही प्लस यहाँ पे जो है सस्पेंशन या थोड़े से ना एक शॉकर टाइप की दी गई है जस्ट टू होल्ड द बूट विच इज़ अ वेरी गुड थिंग यानी आप देख सकते हैं कि ये जो बूट है दोस्तों ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है वेरी मिनिमल बूट वेरी मिनिमल थिंग्स डेट कैन बी कप्टर यहाँ पे आप उसको एक केबिन छोटा मिनी केबिन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर आप देखिएगा ये जो है दिस इज़ एक्चुअली फॉर द स्पेयर टायर डेट इज़ बिलो दिस कार सो उस लिए वो यूज़ होता है एंड फर्दर फंक्शनैलिटीज़ अगर आप देख दोस्तों इन केस अगर आपको लगता है कर सामान आपको बहुत ज़्यादा है ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट पुश द क्लिप एंड यहाँ पे सीट नीचे हो जाएगी एंड यहाँ पे जो एक वायर टाइप का दिया गया है एक हैंडल टाइप का दिया गया है उसे अगर आप पुल करेंगे सीट ऊपर हो जाती है वेरी सिंपल फंक्शनैटीज है अब हम बूट को कर देते हैं बंद बूट का मैंने बहुत ज़्यादा दिखा दिया वैसे ज़्यादा कुछ स्पेसिंग है नहीं बूट में अब मैं आपको दोस्तों दिखाना चाहूँगा गाड़ी जो है हेडलाइट्स लाइट्स फॉक राम सारे लाइट्स ऑन करके कैसी लगती है तो ये रहा दोस्तों उसका एक लुक एक साइड लुक और एक फ्रंट लुक यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने प्रोजेक्टर हेड लैम्स भी चला दिए फॉग लैम्प्स भी चला दिए हैं यानी साइड से आपको पूरा प्रोफाइल एक वो भी दिखाना चाहूँगा फ्रंट से भी दोस्तों एक बार देखिए आप तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंट काइंड ऑफ लुक दे दिया है और इससे आपको पता चल जाएगा कि बीम्स या फिर प्रोजेक्टर हेड लैम्प्स या फिर जो लैम्प्स मैंने जला दिए उससे कैसा लुक आ सकता है सो वेरी गुड वेरी वेरी स्टनिंग लुक दैट नॉर्थ ईज गिविन ईयर टू द न्यू अर्टिगा नाओ विल मूव ऑन टू द प्रोडक्ट ब्रोशर सो प्रोडक्ट ब्रोशर मैं दिखाना चाहूँगा ये नेक्स्ट जनरिटी का प्रोडक्ट ब्रोशर है यहाँ पर जो अलग अलग टाइप के फीचर्स एंड कन्वीनियंस आपको दिए गए हैं आगे आप देख सकते हैं दोस्तों स्टोरेज स्पेस एंड वेरियस अदर फंक्शनलिटीज़ हैं इंजन स्मार्ट हाइब्रिड एंड स्मार्ट सी एन जी में मिल जाता है आपको दोस्तों एंड आप पॉज करके कोई भी स्लाइड देख सकते हैं प्राइसेस की बात की जाए दोस्तों जिस मॉडल पे आप देख रहे हैं एक्चुअली अभी वो मॉडल जो है टोटल ऑन रोड में ला के बारह लाख पच्चीस हज़ार का पड़ता है सो दिस इज़ द जस्ट ऑफ इट Thank you so much for watching the guys' video. Please do like, share, subscribe to our channel. We also have an Instagram channel. Please do follow us there. And for any queries, please do comment as well. Thank you.